और केंद्रीय मंत्री बनने के बाद LJPR के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पहली बार पटना पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर चिराग पासवान के समर्थकों ने उनका स्वागत किया है। तो वहीं एयरपोर्ट पर चिराग पासवान जिंदाबाद के नारे लगे। चिराग पासवान ने कहा कि हमारा स्ट्राइक रेट 100% रहा है, पीएम मोदी ने हम पर भरोसा करके इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। तो वहीं उन्होंने कहा कि अब पार्टी लोकसभा के बाद विधानसभा में भी जुट गई है, ताकि केंद्र के साथ बिहार में भी अच्छा प्रदर्शन हो सके। चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में अपराधियों पर अब धरपकड़ तेज होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। मुझे खुशी इस बात की है कि उनके भरोसे पे मैं मेरी पार्टी खरा उतरी। ये कोई सामान्य बात नहीं है कि आप एक सांसद वाली पार्टी को, मुझे नहीं लगता गठबंधन राजनीति के इतिहास में इससे पहले कभी ऐसा हुआ कि एक सांसद वाली पार्टी को 5 सीटें लड़ने के लिए दी गई हूँ। खुशी मुझे इस बात की है कि हमारे तमाम कार्यकर्ताओं की मेहनत से वो पांचों की पांचों सीट हम लोग जीते भी, प्रधानमंत्री की झोली में हम लोगों ने उस सीट को जीत कर दिया भी। कल जब हमारी प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई तमाम सांसदों के साथ, उनकी बातों में भी इस बात की खुशी देखने को मिली। उन्होंने भी अपना आशीर्वाद और मार्गदर्शन हम लोगों को दिया। मैंने हमेशा से बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के माध्यम से बिहार में फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स का मैंने जिक्र किया। हाजीपुर का केला हो या मुजफ्फरपुर की लीची हो या यहाँ का आम हो या यहाँ का मखाना हो, मैंने हमेशा कहा है कि अगर यहाँ पे प्रोसेसिंग यूनिट्स लगेंगे तो यहाँ के किसानों को ज़्यादा आमदनी मिलेगी, राज्य का राजस्व बढ़ेगा, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर खुलेंगे। ऐसे में अब जब मुझे खुद इस विभाग की जिम्मेदारी दी गई है तो ये बड़ी जिम्मेदारी है जिसको पूरी ईमानदारी से निभाते हुए बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सोच को धरातल पर उतार पाऊंगा। बिहार में नहीं, और ये चिंता का विषय हम सब के लिए है। मेरी मुख्यमंत्री जी से भी इस विषय को लेकर मेरी बातचीत हुई है। आने वाले दिनों में इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि अपराधियों की धरपकड़ कर अपराध को नियंत्रित किया जाए, क्योंकि अपराध को कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हाल फिलहाल के दिनों में आपराधिक घटनाएं जिस तरीके से बढ़ी हैं, ये हम सब के लिए, हमारी सरकार के लिए चिंता का विषय है और इसको जल्द नियंत्रित करने के लिए सरकार तत्परता से कार्य कर रही है। पुल भी गिर रहे हैं चिराग जी, 10 दिनों में 4 पुल गिर गए हैं। ये भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसे में गुणवत्ता के साथ जिसने भी भ्रष्टाचार किया है, ना किसी दोषी को बख्शा जाएगा। मेरे प्रधानमंत्री भी इस बात को लेकर चिंतित हैं। आने वाले दिनों में इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि हमारी डबल इंजन की सरकार आने के बाद जो भी ऐसे निर्माण के कार्य हों, उस पर गुणवत्ता का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए।